उसको लेकर के कुछ क्वेरी था जो हम नहीं बता पाए हैं, वो आप लोग अपना मतलब जो है क्वेरी आप कर सकते हैं और पूरी तरह से आप यहाँ से संतुष्ट होकर के जाएंगे और बड़े लेवल पे जो है यहाँ पे बिजनेस करेंगे, बड़े लेवल पे पैसा बनाएंगे। क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे अगर कंपनी ज्वाइन किए हैं, पकड़े हैं, तो यहाँ बड़े लेवल पे इनकम भी आप कर पाएंगे। तो हम लोग मतलब आपका थोड़ा सा सुनना चाहेंगे मिस्टर भास्कर सिंह के लिए, एक बार हम चाहेंगे तालियों से मतलब स्वागत किया। थैंक यू पहले नमस्कार आप सभी लोगों को। आगे कोई भी बात रखने से पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। अपना इंट्रोडक्शन के साथ में भास्कर सिंह नाम हुआ, बेसिकली मैं देवरिया का ही रहने वाला हूँ। देवरिया में रुद्रपुर जगह है, टाउन एरिया है, उसी विधानसभा मेरा घर पड़ता है, दिख रखा है, वहीं का रहने वाला हूँ। इस बिजनेस में पिछले माह मैंने कदम रखा, इस स्टेडियन कंपनी को पिछले माह से मैं कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ देखा उसके पहले और जाना इसके बारे में समझा, समझने जाने के बाद एक चीज़ हमको समझ में आई कि सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट ये दिखी कि हमारे ही रुद्रपुर विधानसभा के ही रहने वाले इसके CMD भी हैं इस कंपनी के, मिस्टर विशाल राव चंदेल सर। उनके लिए मैं चाहूँगा कि एक शानदार और एक जबरदस्त ताली, वो ताली सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने इस कंपनी को रियल इस्टेट के रूप में हम लोगों के सामने रखा, इसके लिए कि उनके दिमाग में ये बात आई कि एक कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जाए ट्रेडिशनल के अलावा जिससे लाखों लोगों की जिंदगियों में एक अमूलचूल परिवर्तन आए। इस सोच के लिए मैंने ताली बजाने के लिए बोला, तो मैं चाहता हूँ कि ताली भी बजे तो सर को ये एहसास हो, हालांकि वो इम्पॉर्टेंट काम से अभी अर्ली मॉर्निंग मुंबई के लिए निकले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में पुणे में साइट अपनी स्टार्ट हो रही है, तो उसको फाइनलाइज करने के लिए गए हैं। अभी राजस्थान में पिछले हफ्ते उन्होंने फाइनल किया है जोधपुर और उदयपुर में साइट। राजस्थान में हमारी ऑफिस भी फाइनल हो गई है, वहाँ से भी काम कर सकते हैं। महाराष्ट्र से जो कि बड़ा बिजनेस है, तो वहाँ पर डिमांड था लोगों को साइट का, प्लॉट का डिमांड था, तो उसको फाइनलाइज करने के लिए मॉर्निंग में सब निकले हैं, CMD सब निकले हैं। एक बार शानदार ताली हो लीजिए विशाल सर के। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैंने बताया कि मैं भास्कर सिंह और पिछले महीने से मैं इस कंपनी में कार्यरत हूँ, इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन की अगर जो बात करें, तो कंपनी पिछले 4 साल से है, तो यहाँ पर पिछले कई सालों से, लेकिन 4 साल से, क्योंकि जब लीगल डॉक्यूमेंट जिस डेट से रजिस्टर्ड दिखते हैं उसी डेट से माना जाता है कि मार्केट में इन्होंने कदम रखा है। पिछले 4 साल से कंपनी अपने आप को रियल इस्टेट के क्षेत्र में रजिस्टर्ड करा करके 2017 में अपने आप को रेरा से भी अप्रूवल लिया, इन्होंने रेरा के भी लाइसेंस ले लिया और इस क्षेत्र में बहुत ही धमाकेदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से काम कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मार्केट में कर रहे थे। और ट्रेडिशनल में हज़ारों इनके पास कस्टमर हैं, हज़ारों कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे थे, लेकिन MLM एक ऐसा सेक्टर है जिसके माध्यम से एक बूमिंग आता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। कोई भी कंपनी अगर जो लॉन्च करती है तो कहीं ना कहीं ये सोच करके लॉन्च करती है, इसकी वजह से ही जो है MLM में कंपनी ने मन बनाया आने का और बहुत ही शानदार और बहुत ही सटीक और बहुत ज़बरदस्त प्लान इन्होंने दिया। कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग आई थिंक तीनों साइड सब लोगों ने विजिट किया है। जी यस। फेज वन हमारा जो देखे होंगे आप, वो साइट जो है आपको जिसमें काफ़ी प्लाट वगैरह कट चुके हैं, उसमें लगभग 50% प्लाट हमारे बिक भी चुके हैं और बस बारिश की वजह से कुछ काम उसमें रुका हुआ है। जैसे बारिश खत्म हो रही है तो उस पर काम शुरू करके और उसको कंप्लीट करके देना है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फेज टू पर भी हमारा बारिश खत्म होने के बाद काम स्टार्ट होगा, इसमें भी काफ़ी प्लाट बिके हैं, लगभग 1100 प्लाट इसमें समथिंग अभी तक निकले हैं और इसका भी काम जल्दी स्टार्ट होगा जैसे बारिश खत्म होगा। फेज थ्री हमारा छोटा प्लाट है, वो भी अब देखते हैं क्या आप लोग पेट्रोल पंप के ठीक सामने फोर लेन से वही करीब, तो जो वो रोड निकला हुआ है वो तो फोर लेन अपना बनने की 2021 तक उसका डेडलाइन है। बाकी ये रोड भी आप लोगों को तो ये मालूम ही होगा कि जो हम गोरखपुर से आ रहे हैं ये भी 6 लेन फाइनल हो गया। जो हमारी साइड है सर, सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ आप लोगों की, जो साइड है वो चारों तरफ से 4 लेन से घिरा हुआ है, मतलब जिस रोड से आप इंटर किए हैं वो 4 लेन पास हो चुका है, 2021 तक उसकी डेडलाइन है बना करके देने की, क्योंकि आउटर रिंग रोड के रूप में उसको गवर्नमेंट डेवलप कर रही है।
हम लखनऊ से गोरखपुर जा रहे हैं तो 4 लेन ऑलरेडी है ही है, जो 6 लेन पास हो चुका है। उसके अलावा उसके पीछे से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे निकल रहा है 2 किलोमीटर पीछे से, अपने साइड के 2 किलोमीटर पीछे से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे निकल रहा है, तो उधर से भी 4 लेन हो गया अपना। और हमारा फेज वन से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर जब आगे जाते हैं तो एक चौराहा पड़ता है सत्रिक चौराहा, उसी के नाम पर वो रोड का नाम पड़ा है सत्रिक रोड, बाराबंकी टू सत्रिक रोड। 3 से 3.5 किलोमीटर आगे जाने पर सत्रिक चौराहा है, वो भी जो पूरब साइड में सत्रिक चौराहे से रोड गया है और सत्रिक चौराहे से जो चिन्हट आया हुआ है वो भी 4 लेन पास हो गया। तो कहने का मतलब कि जो हमारी साइड है वो चारों तरफ से 4 लेन से घिरा हुआ साइड है। मात्र 2 से 4 साल के अंदर ही कम से कम नहीं तो उसका रेट ट्रिपल से 5 गुना तो होना ही होना है, क्योंकि जैसे ये सब कंप्लीट होंगे तो एक बैग बूमिंग आएगा रेट में। दूसरी चीज की जो रोड बन रहा है सर, वो स्मार्ट बन रहा है, स्मार्ट रोड बन रहा है, जिसका हेलीपैड वगैरह की भी सुविधा होगी आपको, मतलब उतरने की सुविधा होगी, ऐसा वो रोड बन करके प्रदर्शित होगा वो। और गवर्नमेंट भी आजकल रोड पर कुछ ध्यान दिया हुआ है ऐसा लगता है, तो उसको बनना ही बनना है। फिलहाल कानपुर साइड से बनना वो शुरू भी हो गया है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 4 साल से कंपनी मार्केट में काम कर रही है, आज तक कोई कंपनी के खिलाफ एक भी किसी भी प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है हम सभी लोगों के लिए। ठीक है, पूरी तरह से अच्छे तरीके से अपने काम को कंटिन्यू करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले माह इन्होंने मन बनाया। एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, आप लोगों के भी दिमाग में ये क्वेश्चन शायद आया होगा कि आखिर क्या वजह है नेटवर्क मार्केटिंग में आने का, जब ट्रेडिशनल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और ट्रेडिशनल में काम करके एक 136 136 बीघे की साइड, 65 बीघे की साइड और ये छोटी वाली जो साइड है हमारी, इसके अलावा और भी 2 साइडें हैं हमारी जो अभी ओपन नहीं हुई हैं। जैसे ये 3 साइडें हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, वो भी 2 साइडें हमारी ओपन हो जाएंगी, जो सुल्तानपुर रोड पर है और एक किसान पर, ये 2 साइडें बाद में हमारी ओपन होंगी। फिलहाल अभी कंपनी का पूरी तरह से टारगेट ये है कि हम ऑल ओवर इंडिया के जो भी स्टेट है, हर स्टेट में लगभग लगभग कोशिश है कंपनी की कि एक एक साइट वहां पर दिया जाए, ताकि वहां के जो लीडर हैं, जैसे हम लोग हमारे क्या बोलते हैं राजधानी में साइट है तो बहुत आसानी से हम बुला सकते हैं अपने यूपी के चारों तरफ के लोगों से, और लोग इम्प्रेस भी होते हैं राजधानी से, कहीं ना कहीं लोगों का आना जाना भी होता है, अटैचमेंट भी होता है, लोगों के दिमाग में भी फिगर है कि राजधानी की विकास तेजी से होनी होनी चाहे वो किसी भी प्रदेश की राजधानी हो। तो कंपनी की ये कोशिश है, उस कोशिश में पहला कदम जो कंपनी ने बढ़ाया है वो राजस्थान की तरफ से बढ़ाया है, राजस्थान की तरफ से बढ़ाया है, और राजस्थान में 2 साइडें कंपनी ने दिया है, क्योंकि राजस्थान से बहुत तगड़ा और बहुत जबरदस्त बिजनेस है, तो वहां पर 2 साइडें कंपनी ने दिया है। उसके अलावा हमारा महाराष्ट्र की, जैसा कि आते ही मैंने चर्चा किया मॉर्निंग में सब निकले हैं, तो वहां पर भी साइड इन्होंने किया है। उसके अलावा तीसरी जो बात है वो हमारी बात चल रही है पंजाब की, पंजाब में 3 साइडें हमारी आ रही है, और जैसे ये कंप्लीट हो जा रहा है तो फिर हम अपने पूर्वांचल के तरफ से बढ़ेंगे सर, पूर्वांचल के तरफ बढ़ेंगे और उधर में भी साइट पटना गोरखपुर एंड बनारस, ये 3 साइडें एक साथ में आ रही है, जो कि जमीन देखने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो हम लोगों के लिए बहुत ही कहीं ना कहीं खुशखबरी की बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कल के डेट में जो व्यक्ति गोरखपुर में लेना चाहते हैं जमीन, या उस साइड में हमारे तीनों जगह जो साइड डाल चुकी है वहां पर जमीन लेना चाहते हैं, अगर जो आज यहाँ बुकिंग अमाउंट डाल रहे हैं, यहाँ प्लॉट के अगेंस्ट में बुकिंग अमाउंट डाल रहे हैं, तो कल के डेट में वो उस पैसे को ट्रांसफर करा सकते हैं, ट्रांसफरेबल होगा, ये सुविधा आपको कहीं ना कहीं कंपनी दे रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर जो उस पैसे को वहां के प्लॉट में आप इंक्लूड कराना चाहते हैं तो इंक्लूड हो जाएगा, वहां का प्लॉट आप ले सकते हैं, ये भी हम लोग के लिए कहने का बहुत बड़ी बात है। फिलहाल जो MLM का प्लान कंपनी ने दिया है वो बहुत ही तारीफें काबिल है, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो ये है बाय वन गेट वन का प्लान में सुने होंगे कि एक प्लाट लीजिए और एक प्लाट फ्री। आप हमारा 1800 स्क्वायर फीट का प्लाट ले रहे हैं, उसके जस्ट बगल में 1800 स्क्वायर फीट का प्लाट आप फ्री में रजिस्ट्री करा ले रहे हैं, मतलब रजिस्ट्री चार्ज आपको देना होगा, प्लाट आपको फ्री में मिलेगा। आप 600 स्क्वायर फीट, हमारा सबसे छोटा साइज प्लाट का है वो है जो साइज है वो है 600 स्क्वायर फीट का, 600 स्क्वायर फीट का अगर जो आप प्लाट लेते हैं तो 600 स्क्वायर फीट उसके जस्ट बगल में वो प्लाट आप रजिस्ट्री करा लीजिए फ्री में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि MLM में ये कंपनी ने शुरुआत किया है, अपने आप को MLM में ये कंपनी लाई है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर ये करना चाहती है, जिसकी वजह से इस ऑफर को कंपनी ने दे रखा है हम लोगों को।
उसके अलावा कैशबैक की व्यवस्था है। कैशबैक की अगर जो बात किया जाए तो आज के रेट में लगभग लगभग जितनी भी ई कॉमर्स की कंपनियां हैं, जैसे मैं पेटीएम का नाम आप ले लीजिए, गोआईबीओ का नाम ले लीजिए, ओयो का नाम ले लीजिए, या जो भी कंपनियां हो ईटीसी, हर कंपनियां कैशबैक की व्यवस्था रखी है। और कैशबैक या डिस्काउंट एक ऐसा शब्द है जो लोगों के दिमाग में जाता है तो सबसे पहले उसी दुकान पर जाते हैं, उसी ऐप को खोलते हैं जहां पर ज्यादा डिस्काउंट या ज्यादा कैशबैक उनको मिलता है। क्योंकि गाइडलाइन तो सबके लिए एक ही है, अगर जो हम रेरा से लाइसेंस लिए हैं तो सारे टर्म्स कंडीशन को हमको फॉलो करना पड़ा होगा तभी जाकर के हमको लाइसेंस मिला। वो चाहे आरबीआई से जो बैंक लाइसेंस लिया हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए तो सेम होगा ना रूल सर। तो वो सारे लाइसेंस को, सारे रूल एंड रेगुलेशन को हम फॉलो किए होंगे, तो सारे चीज को फॉलो करके हमारी कंपनी आई है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया लेवल पर इसको काम करना, जिसके वजह से अभी कैशबैक का ऑप्शन रखी हुई है और बाय वन गेट वन का ऑप्शन रखी हुई है, इसका आप लाभ ले सकते हैं इस कंपनी में, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि हम और हमारे लोग, कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसे पैसा होता है तो टारगेट ये रहता है कि हम कहीं ना कहीं सिक्योर जगह अपने पैसे को निवेश करें, जहाँ पर हमारी पूंजी जो है डूबे ना और हमको प्रॉफिट भी प्राप्त हो। तो हमको नहीं लगता कि जमीन से बड़ा कुछ ज़्यादा सिक्योर है आज के रेट में, क्योंकि जमीन में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये भी होता है कि अगर जो शहर के आसपास में कहीं भी जमीन आपने ले लिया है, हमारे पूर्वज भी कहा करते थे कि गड्ढे की भी जमीन हो शहर के आसपास है तो उसको आप ले लो, कल के रेट में बेचोगे कुछ ना कुछ दे करके ही जाएगी। ऐसा है कि नहीं सर? गड्ढे की भी जमीन है तो भी ले लीजिए। तो जमीन आज आप ले रहे हैं, कल के रेट में दो चार साल, पांच साल, दस साल बाद कभी भी हटा रहे हैं। पहली चीज तो ये कि जो भी व्यक्ति जमीन लेता है तो वो कुछ बड़ा टाइम रखता है, पांच साल दस साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट करके सोचता है कि हम ये पांच साल दस साल के लिए छोड़ देंगे तो इतना गुना इसका रेट हो जाएगा, हम बेचेंगे तो हमको ये प्रॉफिट होगा, या फिर इतने दिन बाद इसकी ये स्थिति होगी कि हम जो है यहाँ पर घर बना करके रह सकेंगे शानदार लोकेशन, होता है कि नहीं होता है? तो ये दोनों मकसद से अगर जो आप देखें तो जबरदस्त है। पहली जो सबसे अच्छी बात है कैशबैक की, आप देखिए नजर 15 महीने में 100% कैशबैक आपका हो जा रहा है। मतलब अगर जो दाएं बाएं से एडजस्टमेंट करके भी हम पैसा लगा करके प्लाट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम 10 दिन के बाद या एक महीने के बाद हम जो है पेमेंट उनको कर सकते हैं, दे सकते हैं, धीरे धीरे करके हम चुकता कर सकते हैं और 15 महीने बाद फ्री का हमको प्लाट यहाँ पर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये अपने आप में बिल्कुल अलग है, जिसके वजह से आज ये मजबूर कर रही है कंपनी राजस्थान के लोग, छत्तीसगढ़ में काफी बड़े लेवल पर काम स्टार्ट हो रहा है, एमपी में काम काफी बड़े लेवल पर स्टार्ट हो रहा है, इसके अलावा मतलब हर राज्य में काम स्टार्ट हो रहा है और लगभग लगभग स्टार्ट हो चुका है। तो एक शानदार चांस है, प्लान हो चुका है, आई थिंक प्लान तो हो चुका है। प्लान से रिलेटेड या कुछ क्वेश्चन अगर जो हो तो आप कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन के जवाब हमारे पास हैं, मैं जो उस क्वेश्चन का जवाब देने में सक्षम हूँ जो मैं जवाब दूंगा। बाय द वे कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपका रह जाता है, नहीं जवाब मिलता है तो हमारे मार्केटिंग हेड मैं देख लेता हूँ आए हैं तो उनको मैं बुला दूंगा, वो आपको जवाब देंगे। कुछ और भी रह जाता है तो हमारे सीएमडी सर आते हैं, उनसे डिस्कस करके आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। लेकिन बेहिचक और बिंदास होकर भी आप अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं, बिल्कुल एक भाई के तौर पर। लेकिन क्वेश्चन एंसर का दौर शुरू हो उसके पहले मैं चाहूंगा कि एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए। जैसा कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि भाई चलो हम देवरिया से हैं तो देवरिया के ये भी बंदा है, तो इंट्रोडक्शन हो जाए, थोड़ा सा हमको भी ये पता चला कि कौन कौन लोग और कहाँ से आए हुए। मुनेश मौर्य प्रयागराज, विशाल अहमद प्रयागराज, श्री ममता भटनी जिला देवरिया, अशोक वर्मा भटनी, रणवीर कुमार मलेशिया महरवा जिला शिवानिया, विजय कुमार यादव भटनी लगे। एक बार खुद के लिए ताली हो जाए। प्रयागराज से आई थिंक 4-5 साथी आए हुए, दो लोग बाहर गए हुए हैं। अच्छा, दो लोग बाहर गए। तो सर एक बात बताइए, इतने कम समय में इतना ज्यादा इंटरेस्ट कैसे दे रहे हैं? जैसे आपको 15 महीने में
दरअसल ये इतने कम समय में क्या है कि आज के डेट में मार्केट की सारी स्थिति ये है कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी प्लान अगर जो हम लॉन्च कर रहे हैं मार्केट से अगर जो अलग हट करके हम नहीं कर रहे हैं, बैकअप ले करके नहीं कर रहे हैं, तो मार्केट हमको लाइक नहीं करेगा, कहीं ना कहीं मार्केट हमको पसंद नहीं करेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि कुछ साल पहले पेटीएम की एंट्री हुई हमारी और आपकी लाइफ में, आज के रेट में लगभग 50,000 करोड़ से ज़्यादा की वर्थ वैल्यू उसकी हो गई, 50,000 करोड़ से ज़्यादा की वर्थ वैल्यू हो गई। एक ऐप ही है ना सर, क्यों? क्योंकि वो लोगों को रिटर्न देता है, रिचार्ज कराए तो रिटर्न मिला, ट्रांसफर किए तो रिटर्न मिला, तमाम तरह का रिटर्न वो देता है, तरह तरह के। इवन कई बार तो मैंने पेटीएम से 100% कैश है। हम अपने प्लान में कैशबैक का जो ऑप्शन रखे हुए हैं वो इसीलिए रखे हुए हैं ताकि यहाँ पर भीड़ बढ़े। जैसे जियो ने, जियो के आने से पहले कितने का डेटा रिचार्ज करा रहे होंगे? लगभग 250-300 का एक जीबी डेटा देते थे। 499 का 1.5 GB डेटा मिलता। गलती से अगर जो रात में नेट खुला, गलती से रात में अगर जो नेट खुला रह जाता था तो वो भी खत्म हो जाता था, डेटा हो जाता था, नहीं हो जाता था। क्या ये मुमकिन था उस समय? अगर जो कोई बात करता कि एक ऐसी कंपनी आ रही है जो बिल्कुल रोज 1 GB डेटा, वो भी 3G नहीं 4G देगी, तो किसी को बिलीव होता क्या? लेकिन बैकअप था रिलायंस के पास, उसने पहले सोचा कि कुछ 1,000 करोड़ रुपए हम मार्केट में फूकेंगे यानी लगाएंगे, और उसने एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिजाइन किया, एक ऐसा मार्केटिंग प्लान अपना डिजाइन किया जो नामुमकिन को मुमकिन करके रख दिया। मतलब उसने ये प्लान दिया कि आप फ्री में सिम ले जाइए, फ्री में रोज 1 GB डेटा ये कीजिए, यूज कीजिए, और अनलिमिटेड कॉलिंग भी। ऐसा हुआ कि नहीं सर? ऐसा हुआ। और आज के रेट में जी रोमिंग भी फ्री कर दिया, बिल्कुल आज के रेट में सारी कंपनियों को धराशायी कर दिया, नहीं कर दिया सर, सारी कंपनियों को धराशायी उसने कर दिया है। मार्केट पहले पकड़ा, मैं आ रहा हूँ सर, उसी पर आ रहा हूँ, टेलीकॉम से जुड़ी हुई। जैसे सिर्फ ये चीज टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही